धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। जैसा कि मैंने आपसे लाइव वीडियो में कहा था कि दोबारा से मैं खबर करूंगा और बताऊंगा कि इतने सारे किसान जो पंजाब से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मोदी जी के गुजरात से भी यहां पहुंचे हैं, क्यों ऐसे पहुँचे हैं और एक इस क्षेत्र में जो गाज़ियाबाद का एक ग्रामीण सा इलाका है, बागपत ज़िले की सीमा पर लगता है। बागपत ज़िला वही ज़िला है जो आप नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ, नई उम्र के लोग चौधरी चरण सिंह के नाम से बागपत के ज़िले को जाना जाता है, बहुत बड़े किसान के नेता। उस जगह पर किसान आज चिंतन कर रहा है। पिछले 20 महीने से किसान धरने पर बैठा हुआ है। क्या उसके सामने ऐसी नौबत आ गई है जो किसानों का दावेदार होने का दम भरती है? वो सरकारें आज पार्षद, चेयरमैन, प्रधान, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ उनका है, तब भी किसान परेशान हैं। अब किस चीज़ का एलिगेशन लगा रहे हैं? अब क्यों किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? क्यों जुमलेबाजी गढ़ी जा रही है? और क्यों किसान, क्या वाकई में उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनको उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अल्फाज में मत जाइएगा क्योंकि कुछ सब किसान आप जानते ही हैं, वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह जुमलेबाजी नहीं गढ़ पाएंगे, वो सीधे साधारण अपने अल्फाज में आपके सामने बात रख पाएंगे। बात शुरू करते हैं जिन्होंने धरने का आयोजन किया है उनसे। उनका नाम है मनबीर सिंह तेवतिया, किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं। भट्टा पारसोल से उनको एक पहचान मिली। एक छोटी सी बात बता दूं फिर बात शुरू करेंगे उनसे। जब वो धरने पर बैठे थे भट्टा पारसोल और टप्पल में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधीन लोग हैं आज, वो उस वक्त उनके पास जाते थे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, और जाके कहते थे, मनबीर जी आप आंदोलन पर बैठे रहो क्योंकि बसपा की सरकार है, ठीक, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, आप पैसे भी लो, धरना चलाओ। लेकिन आज वो लोग सत्ता में, सेंटर में और स्टेट में भी हैं, आज इनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। 20-20 महीने से लोग धरने पर बैठे हैं। अब आपसे बात करते हैं सर, क्यों आप लोगों को ये चिंतन शिविर करना पड़ा? पिछले 20 महीने से लगातार हम सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि जो जमीन गलत तरीके से ली गई है मंडोला की या और जहां भी ली गई है, धारा 17 लगा के जो आपने जमीन ली वो बिल्कुल गैरकानूनी है, आपको क्यों नहीं इसको सुधार लेते? आप कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम शोषण नहीं करेंगे किसान का, हम तो किसान की सरकार हैं, लेकिन आज आप ही शोषण कर रहे हैं। ये भी हमने बर्दाश्त किया, जिला बदर बर्दाश्त किया, पिटाई बर्दाश्त की, लेकिन अभी महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा मैंने की है, हमारी माँ बहन बेटी को अपमानित किया, वो भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया, जबकि ये करैक्टर नहीं है हमारा। लोग इस रूप में नहीं जानते हैं मनबीर तेवतिया को, लोग भट्टा पारसोल के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने आप में गांधी बन गए हैं, यहाँ अपने आप में शपथ लिए गांधी बन गए हैं, तो वो समझ रहे हैं कि गांधी को अब ऐसे ही कर लो। हाँ, उनका उनका ये सोचना है कि आप गांधी बन गए हैं तो मारो, लेकिन हम पिटेंगे, हमने शपथ लिए कि हम नहीं उठाएंगे हाथ। लेकिन जब अभी घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमने किसानों का समर्थन मूल्य की लागत डेढ़ गुना बढ़ा दी है और किसान की आमदनी डेढ़ गुना हो गई है, तब बहुत बड़ी चिंता ये हुई कि अगर ये मैसेज चला गया देश में कि किसानों की आमदनी डेढ़ गुना बढ़ गई और किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं गया, किसानों की तरफ से सही स्थिति नहीं गई, तो ये छलिया लोग दोबारा फिर सत्ता में आकर किसान को नेस्तनाबूद कर देंगे। नहीं, छलिया लोग नेस्तनाबूद कर देंगे, लोगों में एक परसेप्शन बन जाएगा कि किसान को तो एक का डेढ़ मिल रहा है, बिल्कुल वो तो चोर हो गया है, कितना और चाहिए उसको, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, वो तो एक का डेढ़ चाह रहा है, एक का डेढ़ चाह रहा है। ये प्रेस्क्रिप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी जगह जगह मीटिंग करके, बहुत बहुत बड़ी सभाओं में, इस प्रेस्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए सही हालत क्या है, सही स्थिति क्या है, तब मन में बड़ी चिंता हुई। बहुत चिंतन, बहुत लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं और अपने इस तरह सब ठीक ही कर रहे हैं, तब हमने सोचा कि क्यों ना सब लोगों को आमंत्रित किया जाए और इस विषय पर चर्चा की जाए कि क्या वाकई में किसान की आमदनी डेढ़ गुनी हो गई, क्या किसान अब मालदार हो गया, अब किसान को किसी की आवश्यकता नहीं रही। तब हमने इन सब लोगों को आमंत्रित किया अपनी इस समस्या को पीछे रख के कि हमारा ये भूमि अधिग्रहण आंदोलन थोड़ा सा हमने पीछे किया, और क्योंकि पूरे देश के किसान का मामला था, पूरे देश का मामला था, इसलिए हमने इसे थोड़ा पीछे करके इस चिंतन शिविर का आयोजन करने का मन बनाया। हमने गांव के लोगों से बात की और सौभाग्यशाली हूँ मैं तो इस मामले में कि इस मंडोला गांव के किसान, आसपास के क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, सबने इस चिंतन शिविर के लिए
सहमति दी, चंदा दिया, पैसे दिए और कहा कि ये चिंतन शिविर लगना चाहिए ताकि देश के किसानों की हालत का सही अंदाजा हो। अब आते हैं इस चीज पे। चलिए, चिंतन शिविर का आपने सोच लिया और आपने कहा 28, 29 और 30 जुलाई को आप ये चिंतन शिविर करेंगे। आज हम ये खबर कर रहे हैं, दूसरा दिन है आपका चिंतन शिविर का। ये लोग जो आपने जोड़े, ये जो एक कलाकारी है, चंद लोग आप गुजरात से ला रहे हैं, मध्य प्रदेश से ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, पंजाब से ला रहे हैं, हरियाणा, ये क्या कलाकारी है जी? ये महान विभूतियां हैं। हाँ, कैसे लोग ला पाए इनको? ये लोग नहीं है। हाँ, ये लोग अपने आप में एक शोला हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में। इन सबसे परिचय था पहले से ही, क्योंकि ये लोग भी काम कर रहे हैं, काम ऐसा नहीं कि ये लोग ठाली बैठे हैं। ये लोग किसान के लिए जीने मरने की शपथ खाए हुए हैं। हमने तो सबको ही बुलाया था, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कर रहे हैं काम, जो सरकार के अलायंस में है, वो नहीं आए। अब आती है बात ये कि ये तो हुआ चिंतन शिविर का, आपने इसलिए आयोजन किया। अब चिंतन शिविर में आप करना क्या चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं और अभी तक क्या निकला है? चिंतन शिविर में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा की है। ठीक है, उसमें इनपुट्स क्या है दिए जा रहे हैं और उसका आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, इनपुट्स पे हमने यहाँ बहुत जोर दिया है और उसी समझाने की कोशिश की है, बजाय इसके कि हम अपना रेट तय नहीं करते, ये जो हम सुनते आए चले आए हैं पिछले 50 साल से। MSP पे रहा बस, टोटल MSP पर और पशुपालन पर। पशुपालन में क्या रहा जी? पशुपालन आज किसान क्यों नहीं कर रहा? आज दूध शहर से गांव क्यों आ रहा है? ये क्या वजह है? आखिर गांव में भी थैली बिक रही है, उसको कह रहे हैं ना? हाँ, गांव में भी थैली बिक रही है, जहां उत्पादन करने वाला था आज वो भी थैली में दूध पी रहा है, इसकी क्या वजह है? ये सबसे बड़ा कारण है कि जो किसान हुआ, दूध हुआ, पशुपालन हुआ और तीसरा आगे कोई और मुद्दा, भूमि अधिग्रहण आपका है, और 2013 से पहले जो डिस्प्यूटेड भूमि अधिग्रहण है उनका समाधान भी हम कल देंगे, कि वो कैसे, जो यूनिवर्सल समाधान होगा, किसी पैसिफिक एरिया का देंगे या पूरे इंडिया का देंगे, कोई आप ऐसा फार्मूला देने जा रहे हैं? पूरे इंडिया का समाधान देंगे, आपने चिंतन में रखा है। चलिए, कल जब लास्ट इसमें कुछ निकलेगा तो और बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं जी? इलाहाबाद, सुमन अवस्थी हूँ, इलाहाबाद से आई हूँ। इलाहाबाद से आई हूँ। आपने एक शब्द बोला अभी कि आपके क्या कला है कि इन लोगों को बुला लिया। मैं इलाहाबाद करछना से हूँ, मेरे हाथ मेरे यहाँ भी भूमि अधिग्रहण हुआ है 2007 में। आपने पूछा कि क्यों आए हैं, तो हम लोगों को भी वही दर्द है। हमारे यहाँ भी सरकार जमीन लेकर के जबरदस्ती ले लेती है, किसानों पर मार करती है। अगर किसान अपना मुआवजा मांगे या सही से उसका रहने सहने के, जब हमारा घर उजाड़ देंगे, हम घर मांगे आपसे, तो आप हमको जबरदस्ती जेल में। और एक बात आपने कहा कि नहीं, आपके साथ मीडिया क्यों नहीं काम करती है? आपने कहा ना, अभी कहिए प्रशासन वालों को एक डंडा हम मार दें, मार इतनी मीडिया छा जाएगी, किसानों को पीट दी, किसानों पीटने के लिए, किसानों को पीटने के लिए आ जाएगी मीडिया, इतना तेजी से आ जाएगी। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जाती है कि हम किसान हैं, बहुत साधारण किसान। कुल मिला के अगर मैं आपकी बात से समझूं, आप ये कहना चाहती हैं, चाहे इलाहाबाद पूरब का किसान है, चाहे यहाँ पश्चिम में किसान लड़ रहे हैं, किसान किसान का दर्द एक है और उस दर्द को आपस में मिला के एक ताकत आप लोग बनाना चाहते हैं, यही जी? आप कहाँ से आए? गुजरात से हूँ। हाँ, अपना नाम बताइएगा। विपिन पटेल। विपिन पटेल जी, ये जो यहाँ चिंतन शिविर चल रहा है, आप गुजरात से कौन सी जगह से हैं? वडोदरा से हूँ। कितना किलोमीटर का सफर होगा कम से कम? कम से कम 500-1000 किलोमीटर तो हो गए होगा। 1500 किलोमीटर का सफर करके आप यहाँ आए? हाँ। क्या ऐसी पीड़ा जो आपको यहाँ खींच लाई के चलिए वहाँ चल के कुछ सर जोड़ लेते हैं? आज मोदी सरकार ने जो डिक्लेरेशन किया कि हमने जो चुनाव में वादा किया था 2014 में, वो वादा हमने डेढ़ गुना देके किसानों को खत्म किया है। ये बात इतनी चालाकी से और इतनी बदमाशी करके किसानों को गुमराह कर दिया, तो ये शिविर बुलाने के लिए तेवटिया जी ने और सभी देश के संगठनों को एक फर्ज आ गई। ये उनके लास्ट वीक में हमारा हैदराबाद में भी एक पूरा देश का संगठन की मीटिंग थी, और ऐसे पूरे देश में एक संगठन एक मंच पे आके, तेवटिया जी है, दूसरे हमारे वो दूसरे किसान, राष्ट्रीय किसान महासंघ है, वो सबको लेके हम एक मंच पे जाके हमारी जो किसानों की समस्या है, उनका, किसानों का मुसद्दा है, वो मुसद्दा तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि राष्ट्र देश भर के किसानों का आपने वहाँ मीटिंग की, मीटिंग और चिंतन यहाँ मैं समझना चाहता हूँ। क्योंकि किसान को माना जाता है अनपढ़ है, गंवार है, उसे कुछ पता नहीं है, वो बोलना नहीं जानता है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? वो चिंतन जो कर रहा है, ये बुद्धि कहाँ से पैदा हो गई किसान के अंदर? किसान को बुद्धिशाली है। अच्छा, आज 50-70 साल से आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लाल गेहूं और चोखा बाहर से प्रदेश से लाते थे, ठीक है, और देश को अशक्त था उस टाइम। ठीक है, आज देश को सशक्त बनाने वाला आज
खुद किसान असक्त हो गया है। क्यों? किसान अपनी पॉलिसी चाहे वो अधिग्रहण की हो चाहे वो एमएसपी की, वो खुद बनाना चाहता है, वो खुद डिसाइड करना चाहता है। आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? हरियाणा से। हरियाणा, क्या नाम हुआ आपका? सुशील। सुशीला जी, हाँ जी। तो ये आप जो आप हरियाणा से, हरियाणा को भी किसानों का गढ़ माना जाता है, जब से खैर खट्टर जी बैठे हैं पता नहीं क्या है, बार बार जल ही रहा है वहाँ, ठीक है। ये बताइए आप लोग क्या यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं और क्या चिंतन करके क्या निकाल पाएंगे और चिंतन से कुछ निकलेगा भी? बिल्कुल निकलेगा। जो किसान भाई है, जो किसान आंदोलन है, वो अपनी समस्याओं को समझ रहे हैं और समझ करके उनका निदान कैसे होगा इस बात को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कल हो सकता है मुद्दे निकल करके आए कि आंदोलन आगे कैसे चलाया जा सकता है, किसान को कैसे बचाया जा सकता है। एक चीज़ मुझे जवाब देंगे थोड़ा सा, कोई भी आदमी दे, आंदोलन शुरू करते हैं किसान, आंदोलन शुरू करते हैं मजदूर, कोई भी नेता आता है, कोई भी पार्टी आती है और हाईजैक करके पूरे आंदोलन को अपने वोटों में कन्वर्ट कर लेती है, जो हमने अन्ना के आंदोलन में देखा। ये किसानों का जो एक आंदोलन लग रहा है मुझे, आप सभी जगह से लोग आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई पार्टी आए और वो जुड़ जाए और जुड़ने के बाद पता चला कि वो सब कैश करके चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्ना के चूंकि कहाँ से आए थोड़ा बताइए। मध्य प्रदेश से हूँ, ईश्वर चंद्र पार्टी हूँ, अन्ना आंदोलन में हूँ। अन्ना जी के साथ चूंकि बहुत संत आदमी हैं और उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं महाराष्ट्र में, उनका नाम सुन करके सारे लोग इकट्ठे हुए थे। नहीं, कैश तो किसी और ने कर लिया, एक अरविंद केजरीवाल ने कैश कर लिया, दूसरा मोदी जी ने कैश कर लिया। ना मोदी जी ने कैश नहीं किया, उनको क्या मिला? नहीं, एक परिस्थिति, लोकपाल लागू हुआ उनका, उनको नहीं चाहिए था, लोकपाल तो उन्होंने पास कराया लेकिन लागू नहीं हुआ, उसके लिए वो अभी आंदोलन कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से उनका फिर आंदोलन। मेरे सवाल समझिए थोड़ा सा प्लीज। आप सब लोग जुड़े, आपने इसने चिंतन किया, एक माहौल बनाया, माहौल बनेगा जो इस सरकार के खिलाफ बनेगा सीधा सीधा सा है, तो कोई और दूसरी पार्टी केस कर लेगी, वो सत्ता में बैठ जाएगी, आप लोग फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो सत्ता ही तो परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिस्थिति है, देखिए ये परिस्थिति है कि उस समय अल्टरनेट में भाजपा थी, कांग्रेस के बाद कोई तीसरी पार्टी थी नहीं। अब कांग्रेस आ जाएगी। हमने बात की, सुन लीजिए ना, हम अनशनकारियों ने बात की, अन्ना जी से बात हुई और ये हुआ। अन्ना जी वाली भावना पे आप जा रहे हैं सर, मेरी भाव पे आइए। आप लोगों ने माहौल बनाया, पकाया और दूसरा आके खा गया। देसी पे बताओ ना जी। अब इसके बाद इस चिंतन शिविर, देखो मैं हूँ बागपत बड़ोस से, देसी भाषा मेरी समझ में आती है साहब। आप लोगों ने पकाई और मैंने आके खा ली, इस चिंतन, आप ये बताइए, ये बताइए। इसलिए इसलिए आज की जो चिंता थी और ये चिंतन था, उसमें सभी लोगों को एक ही एहसास हुआ है कि आद्यंतिक आजादी के बाद जो भी सरकार ऊपर हुई है वो किसानों की दुश्मन बनी है, और ऊपर से शासन में से जो नीचे आया है वो किसानों का मित्र बना है, वही चक्कर चला हुआ है, लेकिन किसान वहां ही वहां है। इसलिए तेवटिया जी और दूसरे किसान आगे वालों ने सोचा कि ये फॉर्मूला में हम फिट नहीं होते हैं और हमारा उपयोग करके सभी अपनी अपनी सत्ता भुगत लेते हैं, लेकिन किसान का कोई करता नहीं है। इसलिए अभी ये चिंतन करके कल का मैसेज हमारा होगा और पूरे देश के संगठन जो मोदी जी के खिलाफ में जितने भी पॉलिटिकली पार्टियां हैं उसको इकट्ठा करके हमारा मुसद्दा होगा, ये मुसद्दा मानने के लिए आगे जाऊं। इसमें मैं आगे जाऊं, मोदी कांग्रेस से ऊपर उठ के एक अलग चीज नहीं बात हो सकती है तेवतिया जी? छोड़िए सरकार किसकी बदलेगी, क्या बदलेगी, किसान के लिए एक पॉलिसी हो, सरकार किसी की भी हो जाने दीजिए, उसकी नहीं बात हो सकती है? जी जी जी, बिल्कुल सही बात पर आए हो। हम लोग यही तैयार कर रहे हैं, अब लोग सरकारें बदल रहे हैं, मुझे जो लगता है। सरकार बदलना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो चिंतन शिविर से निकल कर आएगा। आज हम इतनी ताकत में तो नहीं है कि अपने एमपी एमएलए लड़ा सकें, अपने एमपी बना सकें, लेकिन इतनी ताकत में होना चाहते हैं कि जो चिंतन शिविर से निकल के आए और जो पार्टी जो भी सत्ता में आना चाहती हो या जो भी रहना चाहती हो, जो पार्टी हमारे चिंतन शिविर से जो निकल के आता है, जो हम हल बताते हैं सब लोग, उस हल पर अगर सहमत होती है तो हम किसान उसके साथ रहेंगे। एजेंडा किसान का होगा, एजेंडा किसी पार्टी का एजेंडा नहीं हो, यही कहना चाह रहे हैं ना जी? हम एजेंडा देंगे, जो उस एजेंडे को तस्लीम करेगा, स्वीकार करेगा, कमिटमेंट करेगा, हम उसके साथ जाएंगे, बिल्कुल, चाहे यही लोग रिपीट करें चाहे दूसरा कोई आए, यही ना? बिल्कुल। और कोई लोग बात करना चाहते हो कुछ बताइएगा। आप कैसे हैं? मैं बुंदेलखंड से हूँ, प्रमोद आजाद। आपने भी एक सवाल किया, बात चल रही थी आंदोलन, जब होती है घर का मुखिया दूसरे के सहारे आंदोलन पर उतारू। मैं 11 साल जीरो रिपोर्टिंग किया हूँ यार, जमीन पे, स्टूडियो का रिपोर्टर नहीं हूँ मैं, जानता हूँ। लोगों ने धरने प्रदर्शन दिए, सड़क बनवाने के लिए एक नेता आया, फोटो खिंचवाया अखबार में, उसकी फोटो छप गई, और वो जो धरना दे रहे हैं बेचारे वो बावले रह गए। बिल्कुल सही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा बताइए जी। पूछिए आप क्या कहना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने पकाया, खा के कोई और चला जाता है, उसका आपके पास क्या इलाज है जी? क्या इलाज है? जब मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कहने जा रहा था ना, जब आंदोलनकारी अगुआ
में कोई कमी होगी तब हाँ। दूसरा आदमी पका ले जाएगा हाँ। ये आंदोलन और जो एजेंडे का जो विचार चल रहा है हाँ। इसको कोई नहीं पका सकता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली जो गलतियां हुई हैं जितने आंदोलनों से उनसे सीख के नए तरीके से कुछ किया जाएगा। त्यागी जी आपका भी कुछ विचार है? हाँ जी बताइए। क्या आप भी कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो जो किसानों के मामले में क्या चल रहा है, आपके गाँव में चल रहा है, ये आपके यहाँ ये चिंतन चल रहा है, आप लोगों ने इन लोगों को बुलाया, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इनके जो मेजबान आपके यहाँ आए, आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारे मेजबान हमारे पास आए हैं, ये हमारे मुद्दे सुन गए, इनकी भी तकलीफ, इनके भी दर्द। हम बिहार गए थे, वहाँ जो है गैस पाइपलाइन डाल रहे थे, हमने वहाँ हम भी गए थे और हमने वहाँ लोगों को बताया, समझाया, वहाँ उन्हें एक पाई नहीं दी। सरकार क्या कर रही है? सरकार आंख नीचे बैठी है, गुंगी बहरी सरकार है, है? इस सरकार को समझाओ, इसे कोई तो बताओ और देखिए हमारी हद कहाँ आगे गिर जाती है। अभी हमें लेटर दिया 23 तारीख का कि आपकी वार्ता है कमिश्नर से और हमारी वार्ता नहीं होने दी। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ तो आश्वासन धोखेबाजी चली रही है 20 महीने से, वो आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा भी दूंगा, लगातार रिपोर्टिंग करता रहा हूँ इस पर। एक चीज ये है, कल भी यहाँ पर आएंगे बात करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज निकल के ये आ रही है जो मुझे नजर आ रही है कि यहाँ मुझे कोई भी नेता नजर नहीं। आपको अगर ये नजर आया है तो सोचिएगा, इस वक्त देश का जो मजदूर है नेता का मोहताज नहीं बनना चाहता है, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, वो खुद अपने लिए कानून बनाना चाहता है। ठीक उसी तरीके से आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया हुआ, जनता सड़क पे उतरी, सरकार को कानून बनाना पड़ा और आज किसान जमीन सड़क पे उतरेगा तो वो भी अपने लिए कानून बनवा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा छोटा सा मेरा, हर चीज़ का डिबेट चल रहा है, जैसे किसान बांट दिया है, भाजपा का भाजपा का का किसान, उसका किसान, सब पार्टियों का किसान हो गया है, किसान हिंदू मुसलमान भी हो गया, गुजरात का किसान अलग हो गया है, उसका दर्द अलग है, महाराष्ट्र का किसान अलग हो गया। क्या ऐसा यहाँ से निकलेगा कि किसान किसान होगा, ऐसा कुछ होगा? हम बताना चाहते हैं सर, सर मैं इलाहाबाद, सर मेरा घर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद से मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ किसान क्या कोई जात कोई धर्म नहीं, साथ आपसे विदा लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, काट रहा हूँ उनकी बात को, फिर कल मिलते हैं इस मामले में। फिलहाल मैं कैमरामैन अबू रागिब के साथ अक्रम रईस खान, धक्कड़ खबर।